नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी बाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर, आज यहां पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हिंदी। ठीक है, अगर बात की जाए लेक्चर की तो बेटा ये मेरा 35वां लेक्चर है। पाठ जो है हमारा 7वां चल रहा है, बाल लीला। आधा पाठ हमने कम्प्लीट कर लिया था, आधा बच्चा हम लोग आज कम्प्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास की अगर बात की जाए तो एक अच्छा 7th की क्लास का यानी कि लेक्चर है। ठीक है, और दिस इज माय यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी वीडियो की मैं नोटिफिकेशन करूंगा ना, यानी कि भेजा करूंगा या जो अपलोड किया करूंगा वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। इससे कोई भी वीडियो जो है बच्चा वो आपकी मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारे पाठ जो है वो हमारा 7वां पाठ है। पाठ का नाम है बाल लीला। ठीक है, और यहाँ पर हमने सूरदास जी के पंक्तियाँ जो थीं उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये हमने सारा जो कंप्लीट था ना वो कंप्लीट कर लिया था इनकी पंक्तियों के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, कि जीवन परिचय में क्या होता है कि जो कवि हैं या लेखक हैं, है ना, उनका जीवन परिचय, उनके कब जन्म हुआ है, उनके पिता का नाम, माता का नाम और उनकी प्रमुख जो घटनाएं होती है ना उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, सबसे पहले सूरदास जी पर चलते हैं और पहले पता करते हैं कौन थे ये। तो सबसे पहला ये है कि ये भक्ति काल के बेटा प्रमुख कवि थे। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म की अगर बात की जाए तो 1478 ईस्वी में रुनकता एक जो गांव है ना, ये जो गांव है मथुरा के पास है। कहाँ के पास है? मथुरा के पास जो रुनकता नामक गांव है वहीं पर सूरदास जी का क्या है, जन्म हुआ है। ठीक है, इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोहरम जो है वो वर्णन किया, यानी कि बहुत सुंदर वर्णन किया है। यानी कि ये सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो कवि है ना वो किस भक्ति के हैं, तो ये कृष्ण भक्ति के कवि, यानी कि भगवान कृष्ण के उपासक थे ये। ठीक है, अगर बात की जाए इनके गुरुदेव की तो इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था। सूरसागर है ना इनका एक ग्रंथ है जिसमें इनकी सारी जो रचनाएं है ना उनका संग्रह, यानी कि सभी रचनाओं को उनके सूरसागर किताब है उसमें लिख दिया गया है। ठीक है, इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो सूरसावली है ना, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है ना, ये इनकी प्रमुख है ना, फेमस जिसको हम लोग कहते हैं ना, फेमस किताब है। ठीक है, अगर निधन की बात की जाए बच्चा तो ये हमारा 1585 में इनका निधन हो गया था। ये इनका छोटा सा जीवन परिचय था। याद क्या क्या करना है, नॉर्मली से आप लोग पढ़ते रहेंगे कि भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ है ये? मथुरा के पास है। ठीक है ना, और ये कृष्ण भक्ति कवि थे, है ना, ये वल्लभाचार्य जो थे वो उनके गुरु थे। उसके बाद क्या है, सूरसागर में इनकी सभी जो आपकी रचनाएं उनका संग्रह है। इसके अलावा इनकी रचना की अगर बात की जाए तो सूरसावली इन्होंने लिखी, सूरसारावली, और साहित्य लहरी भी इन्हीं की है। ठीक, अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1585 में इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी। ठीक है बच्चा, अब हम लोग चलते हैं तुलसीदास जी की, यानी कि जो संग्रह है ना, पद का जो संग्रह है उनके बारे में हम लोग तुलसीदास जी के बारे में आज यहाँ पर उनकी पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तन की दुती श्याम सरोरूह लोचन कंज की मंजुल ताई। क्या मतलब है, जो आप तुलसीदास जी की अगर बात की जाए तो ये राम भक्ति कवि थे। कौन थे आपके? राम भक्ति कवि थे, यानी कि ये राम भगवान, जैसे सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति के कवि थे यानी कृष्ण भगवान के उपासक थे, ऐसे तुलसीदास जी जो हैं वो रामचंद्र जी को उपासक थे। तो ये रामचंद्र जी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, द्वितीय श्याम सरो, यानी कि जो इसका अर्थ क्या है कि उनका जो शरीर है ना, शरीर मतलब समझते हो ना, हल्का नील के समान जो शरीर है ना, नेत्र जो हैं वो कमल के शोभा रखते हैं, यानी कि जो उनका शरीर है वो बहुत सुंदर है ना, नील मतलब आकाश जो होता है ना नीला, आपने देखा होगा है ना, उनके शरीर जो है, उनका जो सरोरोह है ना, उनका शरीर जो है लोचन कंज की मंजुलता है, उनका जो नेत्र है वो कमल के समान, कमल समझते हो ना, कमल के समान है। ठीक है ना, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छबे भूरी अनंग की दूरी धरे, यानी कि धूली से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। यानी कि जब खेलते हैं ना बच्चे, तुमने देखा होगा धूल में जैसे मिट्टी में खेल जाते हैं ना, इसी प्रकार से रामचंद्र जी का खेलने का वर्णन यहाँ पर किया गया है ना। और जो कामदेव जिनके बारे में हम लोगों ने सुना है ना, महती छवि को भी दूर कर देते हैं, यानी कि जो कामदेव की छवि है ना, अनंग का मतलब यहाँ पर जो है वो कामदेव से है। ठीक है, तो अनंग का मतलब यहाँ पर क्या है, कामदेव से है। तो उनकी जो अनंग की वो मतलब जो आपके क्या बोलते हैं उनको, कामदेव जी है ना, उनकी भी जो छवि है ना उससे भी कई ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है? रामचंद्र जी। ठीक है ना,
क्या कहते हैं वो, आगे देखिए, दमके दुतियाँ दुती दामिनी ज्यों किलकें कल वाल विनोद करें, यानी कि उनकी जो नन्हे नन्हे दांत है ना, दुती है ना, दुती मतलब दतियाँ, दतियाँ मतलब जो दो उनके दांत हैं ना छोटे छोटे, वो बिजली के समान चमकते हैं, क्योंकि जब बच्चे हंसते हैं ना तो उनके छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं दो, है ना, और वो बहुत सुंदर हैं, ठीक है ना। तो जब वो किलकारी मारते हैं ना तो क्या होता है, चमक जो है ना वो काय के समान है, बिजली के समान आती है। काय के समान आती है, दामिनी का मतलब यहाँ पर क्या है, बिजली के समान आती है। अब देश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर बहरे, और वे किलक किलक कर क्या करते हैं, बाल लीलाएँ करते हैं। बाल लीलाएँ समझते हो ना, है ना, नहीं जानते हो। बाल लीलाओं का मतलब ये है कि किले के बाल लीलाओं का मतलब है कि छोटे में बच्चे जो क्रीड़ाएं करते हैं, जो खेलते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है ना, है ना, उनको हम लोग कहते हैं बाल लीलाएं, ठीक है ना। तो बाल लीलाएं जो कर रहे हैं ना वो क्या है, बहुत मनोहर है। मनोहर का मतलब उनको मन को हरने वाली है, यानी कि आप उनको देख देख के गदगद हो जाएंगे, आप प्रफुल्लित हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अवदेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर बहरे, यानी कि अयोध्यापति जो महाराज दशरथ है ना, अवदेश के बालक, यानी अवदेश मतलब यहाँ पर जो अयोध्यापति यानी कि जो दशरथ जी हैं, उनके जो चारों बालक हैं ना, उसमें लिखा है चारी सदा तुलसी मन मंदिर बहरे, यानी कि वो कहाँ है, तुलसी जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि वो मन मंदिर में सदैव निवास करें। क्या करें, मतलब इतने सुंदर जो बालक हैं, किसके बालक हैं, अवदेश यानी कि अयोध्यापति यानी अयोध्या के जो राजा हैं, महाराज जो हैं, वो दशरथ के चारों बालक बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं और वो मन में बसाने योग्य हैं। यानी कि छवि जो है उनकी वो कैसी है, मन में बसाने योग्य है, ठीक है। आगे देखो, कबहूँ शशि मांगत आरी है ना करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारे, यानी कि कभी कभी क्या होते हैं, वो चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, क्योंकि रात में क्या होती है, चंद्रमा दिखाई देती है। आपने देखा होगा पानी में भी अगर स्वच्छ पानी है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे एक्टिविटी नहीं करते, किसी को चीज़ का पाने का प्रयास करते हैं। अब उनको तो नहीं पता है कि यहाँ पर मतलब रियल में प्रतिबिंब है या वास्तविक कोई चीज़ है, ठीक है ना, बच्चे तो बच्चे हैं। तो वही वो कह रहा है, कभी कभी वो क्या करते हैं, शशि मांगत आरी करे, यानी कभी कभी वो क्या करते हैं, चंद्रमा को मांगने का हट करते हैं, है ना। कबहूँ प्रतिबिंब निहारे, कभी कभी अपनी परछाई को देख के डरते हैं, है ना। कभी कभी बच्चे नहीं, अपनी परछाई, जैसे पीछे परछाई बनती है उजाले में, चांदनी रात हो तो आपकी परछाई आपके साथ ही रहती है हमेशा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो आपके रामचंद्र जी हैं ना, तो वो कभी कभी डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी परछाई को देख लेते हैं, ठीक है। कबहूँ करताल बजाई के नाचे, तो कभी कभी क्या करते हैं, वो ताली बजाकर नाचने लगते हैं। यही तो बालकाल में बच्चों की जो प्रतिक्रिया होती है वो यही तो होती है, कभी वो खेलते हैं, कभी रो रहे होते हैं, कभी एक टक लगाकर किसी एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को कहते हैं बाल लीलाएँ, ठीक है। मातु सबे मन मोद हरे, यानी कि जिससे सब माता जो हैं, यानी कि जो माताएँ हैं ना, वो इस देख के उनका जो हृदय है ना, वो आनंद से भर जाता है। यानी कि वो बहुत खुश हो रही हैं अपने बच्चों को ऐसे देखते हुए। कभी कभी वो क्या करते हैं, चांद को मांगने का प्रयास करते हैं, कभी कभी अपनी परछाई से ही डर जाते हैं, है ना, और कभी कभी ताली बजाकर हंसने लगते हैं। और वो क्या कहती हैं, माता माता जो हैं वो ऐसी एक्टिविटी यानी कि जो आपकी इनकी क्रीड़ाएँ चल रही हैं उनको देख कर बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कबहूँ ऋषि आई कहें हटी पुनी लेत सोई ज्योति लागे, यानी कि कभी कभी क्या करते हैं वो, हट हट का मतलब जानते हो, बचपन की जो जिद होती है उसको बाल हट कहते हैं ना, हट पूर्वक कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, या मांगने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिस वस्तु की ओर अड़ते हैं, यानी कि जिस वस्तु जो है अच्छी लगती है तो कभी कभी उसको मांगने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अवदेश बालक चारी सदा है ना तुलसी मन मंदिर बहरे, यानी कि वही वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, मतलब चीज़ों को मांगने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो अयोध्यापति महाराज दशरथ के चारों पुत्र जो हैं, बालक जो हैं, वो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि वो मन में बिठाने योग्य हैं, यानी कि ये मन मंदिर में निवास करें। क्या करें, मन मंदिर में क्या करें, बच्चा निवास करें। तो यहाँ पर ये जो आपके दोनों पंक्तियाँ थीं, इनका अर्थ हमने समझा दिया। इधर ऊपर क्या है, एक बार फिर से जरा देखेंगे, यहाँ पर बात की जा रही है उनका जो शरीर है श्याम यानी नील के समान, जो उनका शरीर है, उनकी जो आँखें हैं लोचन कंज मंजुलताई, यानी कि वो के समान है आपके, वो आपके कमल के समान शोभा को अर्थते हैं। जैसे कमल सुंदर होता है ऐसी वो है, अति सुंदर सुहद धूरी हरे लिखा छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, यानी कि उनका जो धूल युक्त जो शरीर है, जो शरीर है उनका, है ना, वो कामदेव से भी ज़्यादा, यानी कि कामदेव की छवि को भी हरते हैं, ठीक है। दम के द्वितियाँ दुती दामिनी, यानी कि उनके जो दो दांत हैं ना, जो किसके समान है, जो आपके बिजली की तरह है, बिजली चमकती है ना वाइट कलर में दिखाई देती है आपको, वैसे
उनके किल के बाल विनोद हरे, यानी कि वो क्या करते हैं जब वो हंसते हैं किलकारी मारकर क्रीड़ा करते हैं तो उनके दो दांत जो हैं वो बिजली के समान चमकते हैं। अवदेश बालक चारी सदा मन मंदिर में बेर, यानी कि अवदेश के जो चारों पुत्र हैं वो कैसे रहें, वो मन मंदिर में योग बसाने योग्य हैं। फिर वो क्या कहते हैं दूसरे में कहते हैं कबहूँ शशि मांगत आरी कबहूँ पृथ्वी में निहार, यानी कभी कभी वो क्या करते हैं चंद्रमा यानी कि चांद को मांगने का प्रयास करते हैं और कभी अपने प्रतिबिंब से निहाई डरे यानी कि अपने ही प्रतिबिंब से डर जाते हैं। कबू कर ताल बजाई नाचत, यानी कभी कभी वो क्या करते हैं नाचने लगते हैं ताली बजा के। मातु सबे मन मोद भरे, यानी कि सभी माताएं जो हैं वो इनको देखकर ऐसे इन क्रीड़ाओं को देखकर बहुत प्रफुल्लित यानी कि बहुत आनंद से भरी हुई हैं, है ना। कबू ऋषि आई हटी कहें पुनः लेत सोई जो ही लगे, यानी कभी कभी वो क्या करते हैं कि हठपूर्वक किसी चीज़ को मांगने का प्रयास करते हैं, है ना, और उन्हें मांगते हैं। ठीक है, अवदेश के बालक चारी सदा सुंदर मन मंदिर में बहरे, यानी कि ऐसे अवदेश के जो बालक हैं जो अयोध्यापति महाराज दशरथ के चारों पुत्र जो हैं वो मन में मंदिर मन के मंदिर में बसाने योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके तुलसीदास जी की पंक्तियाँ थीं वो समाप्त होती हैं आपके पाठ, है ना। और इनका भी फिर हम लोग जीवन परिचय थोड़ा सा छोटा सा जीवन परिचय है वो भी जान लेते हैं। अगर इनके तुलसीदास जी की बात की जाए तो 1511 में इनका जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु को माना जाता है। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक कवि है। ठीक है, और इनका जन्म जो है वो सोरो जिना कासगंज के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा कभी, एटा में है जो, है ना, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करें, आपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस जानते हो ना, यानी कि जो रामायण का हिंदी, है ना, हिंदी में जो रामायण है उसको रामचरितमानस कहते हैं, है ना। तो जो उसकी रचना जो है वो किसने की थी, वो की थी आपके यानी कि आगे देखिए तुलसीदास जी ने, किसने की थी, तुलसीदास जी ने की थी। ठीक है, विनय पत्रिका की बात की जाए तो ये भी तुलसीदास जी की एक प्रमुख रचना है, है ना, महत्वपूर्ण काव्य है। तो दो आपको याद रखना है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका किसने लिखी है, ये आपके गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जन्म कब हुआ है 1511 में, और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1623 में इनका जन्म हो गया था। ठीक है, आज जो बेचा हमने पाठ जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अब हम अगले लेक्चर में इनके शब्दार्थ तो हमने पहले ही बता दिए थे आपको, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, पहले शब्दार्थ को लिखेंगे आप। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने शब्दार्थ बताए थे जब ये शुरू हुआ था, और उसके बाद आप प्रश्नोत्तर करेंगे, और उसके बाद करेंगे आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपका बनता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।